नमस्ते। सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग के इस शो में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पिछले कुछ कड़ियों से कि कैसे डिफेंस मैकेनिज्म होता है, हमारा ईगो, उसे बचाने के लिए हम अलग अलग बातों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हम उसको डिनायल मोड पे डालते हैं यानी मानते ही नहीं है, या तो फिर झूठ बोलते हैं, दूसरों पर दोष डालना, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म हमने देखा। और ये बहुत ही एक दिलचस्प बात ऐसे चल रही थी कि किस तरह से इंसान प्रोक्रास्टिनेशन यानि चीज़ों को पोस्टपोन करता है, अभी नहीं, मुझे आगे और आगे करूँगा, ये बात पर हमारी चर्चा चल रही थी। मुझे याद है एक बार एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे बार बार ये बताया जाता है घर से कि मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन दीदी मैं ऐसा नहीं हूँ, वो मुझे कह रहा था। और मुझे इतनी दया आ रही थी कि क्यों इसको समझा नहीं जा रहा है और इस पर एक लेबल लगाया जा रहा है कि आलसी है, ये आलसी है। सिर्फ 10 साल का बच्चा, उसकी मासूमियत को देखकर मैं एकदम पिघल गई और उसके पेरेंट्स से बात किया, तो उन्होंने कहा कि हम, मतलब कि हमारे दोनों में से वो कपल, उसमें से हस्बैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा आलसी है, तो वही बात मेरे बच्चे में नहीं आनी चाहिए, इसीलिए बच्चे को बार बार ये चीज़ बताई जा रही थी। और उसकी वजह से वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सिकुड़ रहा था, कहीं बात बता नहीं रहा था, खुल नहीं रहा था। ऐसी कई चीज़ें हैं, आज हम पूरी चर्चा करेंगे डॉक्टर सचिन के साथ इन बातों पर। मैं उनका स्वागत करती हूँ, नमस्ते। ओम शांति। जैसे मैंने कहा प्रोक्रास्टिनेशन, और हमने पिछले कड़ी में भी इस पर बात की थी, और ये बच्चा जिस पर ये लेबल लगाया जा रहा है कि बहुत आलसी है तो अपने काम नहीं करता है, वो बच्चा इतना सिकुड़ जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि पूरा टाइम तो वो बिज़ी रहता है बच्चा, और उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ अपना आलस कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रोज़ सुबह जाना और उसके बाद ट्यूशन है, स्कूल के बाद ट्यूशन है, ट्यूशन के बाद में दूसरी अदर एक्टिविटीज़ है, पूरा दिन बीत जाता है, सिर्फ संडे ऐसा होता है जो उसको खाली मिलता है, फिर भी उस पर एक लेबल लगाया जा रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा एक केस आया था। और आपने बहुत अच्छी बात कही जो बहुत सूक्ष्म है, जो डिफेंस मैकेनिज्म वो कपल में जो वाइफ है वो यूज़ कर रही है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट करना। अच्छा, हाँ, एक की कमज़ोरी दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करना, और वहाँ पे वो उसका इंटेंशन अच्छा है कि जैसे मेरे पति आलसी है। अभी यहाँ पे फैक्ट नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम किसी को लेबल नहीं लगाते हैं। लेकिन उसने लगाया, हाँ, पत्नी ऐसा समझती है। समझती है, तो हम किसी को लेबल नहीं लगाते हैं काउंसलिंग में, हम सिर्फ बिहेवियर के बारे में पूछते हैं। तो कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसके वजह से उस पत्नी को लगता है कि उसका पति आलसी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी की कुछ अपेक्षाएं हैं पति से और वो पूरी नहीं कर रहा है, इसलिए उसको लगता है कि आलसी है। तो वो सचमुच में आलसी है या फिर पत्नी के एक्सपेक्टेशन, ये सब ढूंढना है हमको, और वो बिहेवियर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है डिफेंस मैकेनिज्म, वो प्रोजेक्शन, हाँ, प्रोजेक्शन है कि अगर मेरा अंदर, समझो, किसी के साथ डिसलाइक है, मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उसको पसंद नहीं करती, मैं उल्टा कहूँगा कि वो मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये बहुत सूक्ष्म रूप से होता है। यहाँ पे उस माता का इंटेंशन अच्छा है कि मेरा बेटा भी ऐसा ना हो, ठीक है ना? तो घर में दोनों है, अभी वो बेटा देख रहा है मम्मी को, मम्मी क्या कर रही है, पति को भी बोल रही है, और पति के साथ रिलेशनशिप कैसा है, और वो इनडायरेक्टली उसने कहा कि वो चाहती है कि बेटे तुम इनके जैसे मत होना जी। क्योंकि ये ऐसे बिहेव करके मेरे को बहुत दुख दे रहे, तुम कम से कम मेरे को दुख मत देना, ये उसका इंटेंशन है। लेकिन ये मैकेनिज्म काम कर रही है या नहीं कर रही है हमको नहीं पता। जिस तरह से आपने कहा, वो बच्चा मासूम से मैं कहाँ आलसी हूँ, लेकिन मम्मी को लगता है मैं आलसी हूँ। इसको चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत ध्यान से मैं कहना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग हमारी बचपन में हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली, और अगर उस बच्चे ने उस प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट किया तो वो पैटर्न के साथ ही वैसा बड़ा होता है, और वो उसका पैटर्न वो रिलेशनशिप में दिखाई देता है। अगर बचपन से ही उसके अंदर वो डाल दिया कि तुम अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट अ गुड बॉय, ठीक है ना,
तो फिर वो उसी बिहेवियर के साथ बड़ा होगा और उसका कॉन्फिडेंस पूरा शैटर हो जाता है। वो कॉन्फिडेंटली कोई बात नहीं कर पाता क्योंकि उसके मन ने वो स्वीकार कर लिया कि मैं तो आलसी हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं हर काम स्लोली करता हूँ। अभी हर एक का काम करने का तरीका होता है, स्पीड होता है। कई जी लोग काम फास्ट कर लेते हैं, कई लोग नॉर्मल स्पीड में, कई लोग स्लो होते हैं, बहुत स्लो बहुत स्लो होते हैं। अगर मेरे स्पीड के अनुसार कोई काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसको कोई बीमारी है, मुझे नहीं पता, पर उसको इवेल्युएट करना चाहिए कि वो स्लो क्यों है और आम आदमियों की अपेक्षा वो स्लो है क्या। ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमारे काम पर इफेक्ट होता है स्पीड पे। यस डेफिनेटली हो जी सकता है। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सबसे ज़्यादा हम जो बीमारी आजकल देख रहे हैं जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हरी सिकनेस, हाँ, वो हमने जल्दबाजी बात की किया बीमारी, था। जी जल्दबाजी की बीमारी। तो अगर मुझे जल्दबाजी का नेचर है, मेरा नेचर इम्पेशंस का है, मैं खुद इम्पेशंट हूँ, मुझे हर चीज़ समय के पहले चाहिए और जैसे मैं हूँ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि दूसरों को भी वैसा होना चाहिए, और जब दूसरे उस एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरते तो मुझे गुस्सा आता है। नहीं, जो स्लो होते हैं उनका भी है कि अंदर कहीं क्लैरिटी नहीं है, थॉट की आगे क्या करना है वो समझ में ही नहीं आ रहा, ये बीमारी ये हो सकती सूझ है ही नहीं रहा है, उसकी डेफिनेटली। वजह से भी यस, आपकी स्पीड इतनी स्लो हो जाती है। कई लोग स्लगिश होते हैं, पर वो स्लगिशनेस फिजिकल है या फिर मेंटल है मेंटल है, इसको डिस्क्रिमिनेट, इसको फर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जी इसके लिए हम बच्चों का अगर यंग एज में है तो उसका हम टेस्ट करवाते हैं जी कि इज इट आउट ऑफ, उसका ब्रेन की कैपेसिटी कम है, या जैसे आपने कहा ना वो कंफ्यूज होता है, उसको दो तीन काम पता है ये, तो वो सोचता है क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ, वो करना चाहिए उसमें या उसका बहुत टाइम, प्रेशर महसूस होता है। या वो डिसीजन नहीं ले पाता है। जैसे मेरे पास जो केस आए थे तो उसमें वो माँ अकेला ही बच्चा है तो उसको कुछ किराना से कुछ चीज़ लाने को बोला, दाल लेने को गए तो उधर जाके वो कुछ और लेके आया, और आया भी तो बहुत टाइम लेके आया उसको। जी तो उसको मैंने पूछा कि ऐसे क्यों हुआ, पता नहीं मम्मी ने जब बोला तो ध्यान में था लेकिन चलते चलते मेरे दिमाग से निकल गया, और फिर मैं उधर जाके सोचने लगा क्या करूँ, यही चाहिए कि दूसरा चाहिए, फिर मेरे को लगा नहीं यही बोला होगा, फिर मैं वो लिया, फिर मैं रास्ते में फिर से सोचते रहा। जी बहुत ज़्यादा तो कंफ्यूजन है। या तो ये कन्फ्यूजन है अंदर, तो वो कन्फ्यूजन बचपन से है या लेटर ऑन डेवलप हुआ है। तो फिर मैंने देखा कि वो खाने का उसका स्पीड कैसे है, खाना खाते समय भी जो 15 मिनट 20 मिनट लगना चाहिए वो आधा पौना घंटा लेता है खाना खाने में। मतलब बहुत स्लो। हाँ बहुत स्लो है। पढ़ाई में भी वो जैसे मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, उसको समझ में नहीं आता है सॉल्व करना कैसे करना, अभी वो 6th 7th स्टैंडर्ड में, पर उसको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत जी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं लर्निंग हाँ डिसेबिलिटी हम लर्निंग बोलेंगे। डिसेबिलिटी हो सकती है उसमें, उसको समझने में टाइम आता है और वो अंदर कन्फ्यूजन क्यों है तो उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। अगर ऐसा बीमारी है तो उसके अनुसार उसका इलाज है, लेकिन अगर ऐसी बीमारी नहीं है तो इसमें हम दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक होता है आलस्य और दूसरा होता है अलबेलापन। जी आलस्य फिजिकल होता है, अलबेलापन इंटेलेक्चुअल होता है अच्छा कि मैं, मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं कर भी सकता हूँ लेकिन मैं करना नहीं चाहता है, जी ठीक है ना। तो ये दूसरा जो है वो बहुत सूक्ष्म और सटल है। जैसे एक बच्चे ने मेरे को बहुत अच्छा कहा, तो जब मैंने देखा कि वो बच्चा कहता नहीं है, मैंने कहा मैं इस बेटे के साथ अलग बात करूंगा। तो मैं उसको पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, मम्मी को इतना परेशान क्यों करते हो। तो बोलता है मम्मी मुझे हमेशा डांटते रहते, कभी प्यार से बात नहीं करते। तो मैंने भी डिसाइड किया, मम्मी को लगता है कि वो मेरे को कंट्रोल कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं मैं भी मम्मी को कंट्रोल कर कंट्रोल कर सकता सकता हूँ। हूँ, और वो कंट्रोल करता है। जी मैंने कहा कैसे करते हो, बोलते मम्मी को गुस्सा दिलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। सो ही इज प्लेइंग गेम एट दैट एज, क्योंकि फोर्सफुली हो रहा है, और उसका ये कहना है कि मम्मी मेरे को समझ के नहीं लेती है ना, वो केवल अपनी बात, मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहती। तो यहाँ पे मुझे बहुत अलग सटल डिफेंस मैकेनिज्म, ऐसे नहीं कि उसके अंदर कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी जी है, लेकिन वो नहीं करना चाहता है। वो क्यों नहीं करना चाहता, ये रेजिस्टेंस क्यों आया है, क्योंकि उसने कुछ ऑब्जर्व किया है मम्मी के अंदर, पापा के अंदर, घर में उसने कुछ माहौल को ऑब्जर्व किया है, और उसको कोई समझ नहीं ले रहा है क्योंकि ये दोनों का आपस में नहीं है बराबर रिलेशनशिप्स, तो बच्चे के ऊपर उसका असर हो रहा है।
तो ये भी कई बार हमको बहुत खोल के देखना पड़ता है कि अगर बेटा ऐसा कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे और कोई कारण तो नहीं है। हो सकता है उसका स्कूल में कोई हो, कॉलेज में कोई हो, उसके रिलेशंस बाहर के, घर के, तो ये पूरा डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तब हमको पैटर्न के असली जड़ तक हम जा पाते हैं। एक बार कारण समझ जाने के बाद फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। यस तो राजयोगा के थ्रू हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारी थेरेपीज और भी होंगी राजयोगा के अलावा भी, बहुत क्योंकि सारे राजयोगा हैं। इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ थेरेपी जहाँ तक हमने यस समझा है। तो और भी क्या थेरेपी हम यूज कर सकते हैं एक बार कारण को समझने के बाद? हमने आज जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म वो देखा, वो है प्रोजेक्शन। जी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपनी कमजोरियों को दूसरों के ऊपर। इसके जी साथ मैं और एक कॉमन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म लूंगा कि अगर कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है बार बार, तो वो गुस्से का कारण उसका ओरिजिनल है या कहीं का गुस्सा वो कहीं और निकाल रहा है। इसको भी हम कहते हैं डिस्प्लेस करना, जी डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी है या पापा है, ऑफिस में जहाँ पर भी कार्य करते हैं, अभी बॉस के साथ उनका बराबर नहीं जमता है और ऑफिस में बॉस ने उनको डांट दिया, तो वो जो प्रेशर बनता है, अभी उनको तकलीफ हो रही है, उनको डांट मिली है, जो भी मिली है, अभी वो कहाँ निकालेंगे। जी ऑब्वियसली बहुत, ये तो कॉमन है। घर पे आकर आदमी गुस्सा सारा उतारता है और कहता हाँ, है कि भाई ऑफिस का गुस्सा घर पे मत लेके आओ। ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये मैकेनिज्म है, हम इसको कहते हैं सॉफ्ट टारगेट के ऊपर निकलता है, वो हार्ड टारगेट पे नहीं निकलेगा। जी तो सॉफ्ट टारगेट कौन होता है घर में? घर छोटे में बच्चे सॉफ्ट हैं टारगेट छोटे बच्चे होते हैं, या आपके नौकर? नौकर होते हैं या जानवर होते हैं आजकल, ना जो डॉग है या बिल्ली है उनके ऊपर भी निकलता है गुस्सा। तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट या प्रोजेक्शन, ये दोनों भी मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। अगर हम इन डिफेंस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी शक्ति नहीं बढ़ती है। यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन कैसे काम करता है कि जैसे हम मेडिटेशन करने का अभ्यास करते हैं नियमित रूप से, जैसे मेडिटेशन का हमारा बेसिक ही ब्रह्मा कुमारी में हमको सिखाया जाता है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म हमने देखे, डिनाइल है या डिस्प्लेसमेंट है या प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन है या प्रोकास्टिनेशन है, इसमें कहीं ना कहीं हम दोष बाहर की तरफ दे रहे हैं और हम जिम्मेवारी नहीं उठा रहे कि मेरे अंदर कमजोरी है या मैं अपने को परिवर्तन करना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन हमको ये बताता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, क्योंकि तुम सर्वशक्तिवान के संतान हो। ये जरूर है कि हमको उस शक्तियों का रियलाइजेशन नहीं है, हमको अनुभव नहीं है या हमको क्लैरिटी नहीं है। तो राजयोग मेडिटेशन से दो तीन बातें होती हैं। जी। जैसे ही मैं अपने आप को देखना चालू करता हूँ, मुझे पता चलता है कि मैं क्या करता हूँ परिस्थिति में। हाँ जब कोई मेरा इंसल्ट करता है तब मैं क्या करता हूँ, जब परिस्थिति मेरी इच्छा के विरुद्ध जा रही है तब मैं क्या करता हूँ। क्योंकि राजयोग में बेसिक हमको ये सिखाया जाता है कि खुद को देखो, खुद को जानो, जी तो खुदा को जान पाएंगे। तो जितना हम खुद को देखने लगते हैं ना, तो मुझे मेरा मैकेनिज्म पता चलता है कि मैं सिचुएशन में क्या करता हूँ। इसी बात को ले लो कि कोई मेरा इंसल्ट करता है तो मैं क्या करता हूँ, तो वहाँ पे मेरा मैकेनिज्म क्या है, मैं उसको कैसे हैंडल करता हूँ। इसको हमको परखने की शक्ति अपने यस आप बढ़ने लगती है। यस मैं अपने आप को जानने लगता हूँ, फिर मेरे को ये भी पता चलता है कि अच्छा, जब गुस्सा आता है तब मैं ये करता हूँ। तो मुझे मैकेनिज्म पता चलता है कि हर परिस्थिति को मैं कैसे हैंडल करता हूँ और क्या वो सही परिस्थिति है, मेरे को किसी ने बताया नहीं। लेकिन जैसे मैं ज्ञान और योग का अभ्यास करने लगता हूँ, मेरे अंदर इतनी समझ तो आने लगती है कि नहीं, ये मेरा टेक्निक जो है परिस्थिति को हैंडल करने का, ये शायद उतना इफेक्टिव नहीं है। मेरे जोर से बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, कॉम्प्लिकेट हो रहे, मेरे गुस्सा करने से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। और ये सब करने से मैं अंततो गत्वा अंदर से मैं दुखी हो रहा हूँ, ये मेरे को महसूस होने लगता है, किसी ने बताया नहीं, पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं अपने अंदर जा रहा हूँ, मैं परिस्थिति को साक्षी होके देख रहा हूँ। अभी ये तो पता चल गया, अभी बदले कैसे? तो बदलने का सॉल्यूशन भी हमको परमात्मा महावाक्यों में बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति में ऐसा करना चाहिए। जी क्योंकि रोज के जो महावाक्य हम सुनते हैं, जिसको मुरली क्लास कहते हैं, उसमें मेरे को पता चलता है अच्छा, ये सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना, ये सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए। क्योंकि ये केवल योग नहीं है, हम केवल बैठ के ध्यान ही नहीं करते, हम साथ में पढ़ाई भी पढ़ते हैं। तो दोनों चाहिए हमको, क्या करना है
और कैसे करना है और उसके लिए आवश्यक शक्तियाँ, तो ये तीनों बातें मुझे राजयोग मेडिटेशन से मिलती है। लेकिन अगेन मैं वही बात करूंगी यहाँ पे, तो एनर्जी ब्लॉकेज को निकालने का पहला तरीका क्या होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए भी? बिल्कुल मान ठीक है। लीजिए है ना, राजयोग सेंटर पर पहुँचने के लिए कई बार कोर्स भी करते हैं, समझते भी हैं, लेकिन उसको डे टू डे लाइफ में नहीं ला सकते या टाइम नहीं दे सकते, टाइम है लेकिन नहीं दे बराबर सकते। तो वो जो एनर्जी ब्लॉक है उसको निकालने के लिए हमें कौन सी एक स्टेप उठानी पड़ेगी? जब आपको लगता है कि आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हो, तब आपको अनुभवी व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। यानी किसी की हेल्प की बहुत ज्यादा यस, जरूरत बहुत है। जरूरत है, क्योंकि आप अपने आप से कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती है। पर अगर हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें इतना वक्त दे सके, तो हम क्या करें? तब फोन करना चाहिए, ठीक है ना, पर कोई तो हो, क्योंकि आप अपने आप को निकालने में असमर्थ है तो कोई मैजिक नहीं होगा। देयर विल नॉट बी जी मैजिक। मैजिक हो यस सकता है कि अगर आपके अंदर लगन है, अच्छी लगन अच्छी है, तो हमारी एनर्जी हम राजयोग मेडिटेशन से रिलीज कर सकते हैं ब्लॉक। ओके हाँ, लेकिन बहुत लगन चाहिए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो लगन से अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं विदाउट एनी लगन सपोर्ट। यू मीन कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना इंटरेस्ट चाहिए होना चाहिए अंदर से, उसके पीछे से, दृढ़ता की शक्ति होनी चाहिए। अंदर होती है कुछ मुझे लोगों में, निकलना है। हाँ मुझे हाँ निकलना है, जी तो वो निकल जाते हैं। जैसे मैं अभी 2 हफ्ते पहले एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसकी उम्र 86 है, अकेले रहते हैं और डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, खुद अपना खाना वगैरह बनाते हैं क्योंकि बहुत कोई नहीं अच्छा है। जी। तो मैंने देखा एक लेक्चर, उन्होंने मेरा सुना, उनको मोटिवेशन आया, बोला मेरे को आपसे बात करनी, आप मिलते नहीं हैं। तो मैंने उनको टाइम दिया और सुनने के बाद उसने कहा यस मैं अभी कर सकता हूँ, मेरे को भी पता चला। तो कम से कम फ़ोन पे से तो बात करना चाहिए। तो ठीक है उनको ना कई बार क्या होता है, तैयार रहते, थोड़ा सा पुश की ज़रूरत होती है। जी वो पुश अगर किसी से मिल जाता है फिर वो अपने आप खड़े हो जाते हैं, जी और आज वो व्यक्ति फिर से अपने आप खड़ा हो गया है। मैंने देखा एक मीटिंग के वजह से, सिर्फ उसको वो मोटिवेशन और पुश मिला राइट टाइम पे। जी मतलब कुछ कुछ व्यक्ति रेडी होते हैं, उनको सिर्फ एक हाँ, छोटे से पुश की पुश की जरूरत जरूरत है है। हम अगर। सबकी लेवल ऑफ रेडीनेस अलग होता है, आपकी लेवल ऑफ रेडीनेस अलग है, किसी और की मीडियम लेवल पे, किसी की बहुत लो होती है, तो उस अनुसार हमको उतनी एनर्जी उनको देनी पड़ती है। जैसे कोई भी सिंगल डोज से ठीक नहीं होता है, ठीक है जी ना, सबके डोज बहुत अलग अलग यस है। बहुत सारे अलग अलग बीमारियों के, जैसे अभी वर्म्स है पेट में, कीड़े हैं, तो उसका सिंगल डोज आता है ट्रीटमेंट, हम देते हैं अलबेंडाजॉल। फिर कई सारी बीमारियां हैं जिनका 3 दिन का इलाज, जैसे मलेरिया का 3 दिन का डोज होता है, ठीक है, पर टाइफाइड का 14 दिन होता है, टीबी का 2 से 9 महीना रहता है, कई लोगों का 2 साल चलता है। जी तो आपकी बीमारी कौन सी है उस अनुसार आपका इलाज चलेगा, ठीक है ना। सबको हम एक ही फॉर्मूला में फिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आजकल हेल्पलाइन बहुत सारी अवेलेबल है, हमारे भी फ़ोन नंबर्स है, बहुत सारे बहुत सारी सेंटर्स एनजीओस के काम करती काम है करती है। इवन अपना सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग का फ़ोन है, जब जी एपिसोड रिलीज होते हैं मुझे तुरंत उसके बाद फ़ोन आते हैं जी और लोग तुरंत फ़ोन करके पूछते हैं ऐसा ऐसा है, और मैंने उसमें परिवर्तन देखा है। तो अगर आप रेगुलरली फ़ोन करते हैं, जैसे मेरे पास ऐसे केसेस है जो हर महीने में या हर 15 दिन में मेरे को फ़ोन करते रहते हैं, डॉक्टर साहब आपने ये कहा तब से मेरे अंदर हिम्मत आया, अभी मैं ये करें, अभी आगे क्या करना चाहिए। तो जब फेथ होता है, ट्रस्ट होता है और रिजल्ट दिखाई देता है, तो लोग वो करने में मोटिवेट हो जाते हैं। जी तो कम से कम अगर आपको लगता है कि आप ये सब करके भी नहीं होना चाह रहे और आपको किसी की मदद नहीं मिल रही, आप घर से बाहर नहीं निकल पाते, तो कम से कम फ़ोन तो फोन पे करो। कीजिए। फ़ोन पे से आप सपोर्ट ले सकते हैं, और फिर हम उसको कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, कोई बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, कई बार छोटी छोटी चीज़ों से भी परिवर्तन आने लगता है। जो हम प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं वो हमारा हाँ कम होता जाएगा, जो यस, एनर्जी ब्लॉक हमारा हो चुका है वो रिलीज हो जाएगा। राजयोग में और एक हम करते हैं वो है डिस्टेंट हीलिंग। जी डिस्टेंट हीलिंग माना क्या है कि वो व्यक्ति आपसे दूर है जी और उससे होता नहीं है। जैसे अभी यहाँ आने से पहले मेरे को एक मैसेज आया कि डॉक्टर साहब मेरा जो बेटा है उसको बीमार है और उसको एडमिट करना पड़ा, सीरियस है, तो आप अपनी एनर्जी उसको भेजिए। जी आजकल ये डिस्टेंस हीलिंग का हाँ एनर्जी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, हाँ डिफरेंट एनर्जी टेक्निक में। यस, तो अगर हमारा दिल साफ है और हमको देने की भावना अच्छी है और हम दिल से चाहते हैं, तो राजयोग में हम परमात्मा शिव बाबा से शक्ति लेके उस आत्मा तक भेजते हैं हमारी शुभ भावना, और ये एनर्जी पहुंचती है क्योंकि हमको रिजल्ट आता है। जी
तो हमने देखा है कि ये भी एक तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो भी भाई बहन स्ट्रगल कर रहे हैं अपने संस्कारों के साथ में, नशा छोड़ नहीं पाते, वो कहते मैं बहुत कोशिश करता हूँ मेरे से होता नहीं है, या मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मैं अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसे लोगों को हम अमृत वेला माना सुबह 4 बजे बिल्कुल, या शाम को 6:30 से 7:30 हम उनके लिए एनर्जी भेजते हैं ताकि उनको ताकि उनको वो थोड़ा ऊपर सपोर्ट उठ मिले, सके, उनको उठ सपोर्ट सके। मिल और सके। वो कहते हैं कि हमको फील होता है, ऐसी जब एनर्जी आती है तो वो लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं कि कोई तो हमको शक्ति दे रहा है। जी तो ये भी एक अभ्यास है राजयोग का, हम बताते हैं कि हमसे आप ले सकते हैं या किसी को सामने बिठा के कर सकते हैं। हमने ऐसे चमत्कार देखे हैं जो विश्वास करना मुश्किल है। ऐसे लोग जिन्होंने अपने घर के, अभी गोवा के केस जो मुझे याद आ रहे, घर का सब कुछ बेच दिया, घर के बर्तन बेच दिए ड्रग्स के लिए, इवन जो ओहो, कड़ी रहते वो कड़ी भी निकाल के बेच दिए, माँ बाप चले गए, दोनों भाई ड्रग्स में फंसे हुए। तो हमारे भाई बहनों ने जाके उनको दृष्टि दिया, उनके घर में साफ सफाई की, और लोग कहते तो ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है क्योंकि वो खंडार बन गया था उनका घर, अच्छे घर के, लेकिन ड्रग्स के वजह से इंजेक्शंस ले लेके दोनों ड्रग में फंसे थे और लोगों ने हार मान लिया था। आज वो दोनों काम पे जाते हैं और घर बिल्कुल साफ है अरे वाह, और वो भाई रोज मेडिटेशन करता है, ये चमत्कार है। पर ये कैसे हुआ है? एनर्जी उनको मिलते गए, जी खाने के लिए भी कुछ नहीं था उनको, तो हमारे भाई वहाँ के जाके उनके घर पे उनको साफ सफाई करके, उनको बाबा का ज्ञान देके, बाबा के महावाक्य मुरली उनको सुनाया, और धीरे धीरे करके आप देखो उसमें दोनों से रास्ते, पूरी तरह ये से बहुत बाहर है माना ये मेरे कोई विश्वास से बाहर है, ऐसे भी हो जी। सकता ऐसी केसेस जिसमें है, ऐसे हम सब होप्स छोड़ देते सब होप हैं छोड़ दिए थे। और हाँ एकदम अचानक से जब परिवर्तन देखते हैं तो हमें भी एक फिर से वो जज्बा आता है, हमें भी एक होप नई जागृत होती है कि हम औरों को भी ये बता सकते अदरवाइज हैं। ये लोग तो डेथ के लिए है, माना ऐसे केसेस ठीक होते ही नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि ड्रग से निकलना बहुत मुश्किल होता है। जब आप ऐसे स्टेज पर पहुंचे कि आप स्नान भी नहीं कर रहे हैं, वही कपड़े पहन रहे हैं, उसी गंदगी में रह रहे हैं, घर में कोई चीज भी नहीं बचा है, इस स्टेज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने पॉजिटिव एनर्जी से निकलते हुए देखा है। तो मैंने ये केसेस ऐसे देखे हैं मेरे लाइफ में, तो मुझे विश्वास है कि अगर आपको अंदर वो शक्ति नहीं है तो प्लीज फोन कीजिए, कोई ना कोई आके आपको मदद करके जाएगा, या फिर हमको फोन कीजिए, हमारे से बात कीजिए। बात करने से भी आपके अंदर, आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई। और खासकर आपने जो ये उदाहरण दिया है अभी गोवा वाला, वो तो इतना प्रेरणा देने वाला है कि अगर ऐसे इंसान का जीवन बदल सकता है तो फिर छोटा छोटा प्रोक्रास्टिनेशन क्यों नहीं बदल जरूर सकता। बदल तो सकता है। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। अब शांति। हमने देखा कि किस तरह से आलसी वृत्ति का एक लेबल लग गया बच्चे पर, या प्रोक्रास्टिनेशन, बातों को बहुत पोस्टपोन करते रहना, लेकिन उसमें भी एक डिफेंस मैकेनिज्म कैसे यूज़ होता है उस पर आज हमने चर्चा की। प्रोजेक्शन या डिस्प्लेसमेंट, इस पर हमने देखा कि कैसे होता है ये डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन साथ ही साथ जो एक उदाहरण के तौर पर डॉक्टर सचिन ने हमें बहुत ही प्रेरणादायी चीज़ बताई, बात बताई, वो ये है कि कैसे गोवा का जो ये पूरा एग्जाम्पल और कैसे चेंज हो गया, जहाँ पर सब ने उम्मीद छोड़ दी थी, कोई होप्स नहीं थी। तो अगर इतनी होपलेस केस भी, उसमें भी अगर मिराकल्स हो सकते हैं, तो हमारी छोटी छोटी बातें जिसमें हमारी स्पीड इतनी कम है, इतना लो है, या हम समझते हैं कि हमारी आलसी वृत्ति बनती जा रही है, तो हम ज़रूर बदल सकते हैं। इस उदाहरण से हमें यही साबित होता है या हमें यही पता चलता है और यही सीख हमें मिलती है। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए या फ़ोन से संपर्क कीजिए। हम फिर से एक नए सीक्रेट के साथ, एक नए प्रश्न के साथ आगे की कड़ी में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।